वो काले अंधेरे में रहते हैं, जीवों का एक झुंड जो साधारण जीवों से अलग दिखता है। अजीब दिखने वाले जानवरों के इस झुंड ने सदियों से इंसानों में एक डर पैदा किया, वो मूशी कहलाए गए। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि कहीं जा रहा होता है। फिर हमें एक लड़के को देखते हैं जो कि उल्टा से कुछ लिख रहा होता है, और तभी उसने जो लिखा होता है वो जिंदा होके उड़ने लगते हैं। वो लड़का उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो बाहर चला जाता है, और वो चीज़ उस आदमी के पास चली जाती है जो कि हमें शुरू में मिला था। तो वो जैसे ही उसे पकड़ता है वो गायब हो जाता है। क्या तुम शिनरा यूरोई हो? हाँ। तुमने मेरा लेटर पढ़ा? ओह, तो आप जरूर गिंकू होंगे। तो अब शिनरा बोलता है, जैसा कि आपने देखा, जब भी मैं अपने लेफ्ट हैंड से कुछ बनाता हूँ, चाहे वो कोई चीज भी हो, वो जिंदा हो जाती है, लेकिन राइट हैंड से लिखने से कुछ नहीं होता। तो शिनरा गिंकू को आज अपने घर में रहने के लिए बोलता है। क्या तुम इस जगह पर अकेले रहते हो? हाँ, जब से दादी गुजरी है तब से अभी तक 4 साल हो गए, और उन्होंने मुझसे कहा था कि इस घर को कभी छोड़ना मत। मैं समझ सकता हूँ, अगर वो किसी गांव में रहने गया और गलती से उसने किसी जीव को जिंदा कर दिया तो वो काफी बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। तो शिनरा उसको तस्वीरें दिखाता है और बोलता है, जब भी मैं अकेला होता हूँ तो ऐसे जीव अचानक से कहीं से आकर मेरे आसपास घूमने लगते हैं। क्योंकि वो मूशी है। मूशी? हाँ, वो दूसरों से बिल्कुल अलग होते हैं। वो जिंदा चीज़ों की तरह ही होते हैं, क्योंकि वो जिंदा चीज़ों के काफी करीब है, इसलिए उन्हें पहचानना काफी मुश्किल होता है। इसलिए कुछ को तुम देख सकते हो और कुछ को नहीं। हाँ, कुछ गायब हो जाते हैं भूतों की तरह। आखिर मूशी भी तो इंसानों का रूप ले सकते हैं। शायद तुम्हारी दादी उन्हें नहीं देख सकती होगी, इसलिए उन्हें मूशी के बारे में बताना काफी मुश्किल है। तो अब रात हो जाती है और शिनरा सोया हुआ होता है, और गिंकू आधी रात में उठकर बाथरूम ढूंढ रहा होता है, और वो किसी को जाते हुए देखता है। तो वो अपने जेब से एक सुई जैसी कोई चीज निकालता है और वो आगे बढ़ने लगता है, और तभी तुम्हारे पास मूशी पिन है, क्या तुम उससे मूशी पकड़ोगे? अरे पाव, ये क्या है? वो मूशी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, वो दूसरे मूशी से चिपक जाता है। वाह, एक टूटा हुआ साके का प्याला, इसका रंग काफी अच्छा है। मुझे वो वापस दो, मेरे घर में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ओ, मैं समझ गया। तो ये बात है, पहले तुम एक इंसान थी और अब तुम मूशी हो। तुम पूरी मूशी नहीं हो, इसलिए तुम इतनी कमजोर हो, और ये प्याला का आधा टुकड़ा मुझे बता रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। और मुझे ये भी पता चल गया है कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम रेंजू है। तो अब सुबह हो जाती है और गिंकू उसको सारी बात बता देता है कि तुम्हारी दादी अभी भी यहीं पर है। लोग उसे मूशी का त्योहार के नाम से जानते हैं। उस दिन मूशी इंसानों का रूप लेकर लोगों को अपने त्योहार पर बुलाते हैं। वहाँ इंसानों को एक साके का प्याला दिया जाता है, और जब कोई इंसान उस साके को पीता है तो वो मूशी बन जाते हैं। क्या ग्रैंडमा भी इस त्योहार में शामिल थी? हाँ, पर उस त्योहार को बीच में रोक दिया गया, इसलिए तुम्हारी दादी मूशी बनने से बच गई। पर जब वो घर वापिस आई तो वो पहले से थोड़ी बदल गई थी। उन्होंने अपने आधे हिस्से को दूसरी तरफ छोड़ दिया था, और तुम जिस दादी को जानते हो वो सिर्फ उनका आधा हिस्सा है, और बाकी का आधा हिस्सा पूरे वक्त तुम पर नजर रखता था। वो पूरी मूशी नहीं है, इसलिए तुम उसे नहीं देख पा रहे हो, लेकिन अगर हम तुम्हारी शक्तियों का इस्तेमाल करें तो शायद वो पूरी मूशी बन सकती है। तो अब शिनरा अपनी पावर की मदद से उस प्याले को बनाने की कोशिश करता है, और फिर वो उस प्याले को बना देता है, तो वो प्याला बाहर निकलने लगता है, और वो प्याला बीच से टूट जाता है। फिर उसका आधा हिस्सा गायब हो जाता है। फिर रेंजू आती है, वो अपना आधा प्याला गिंकू को दे देती है, फिर गिंकू उसको जोड़ देता है। ये क्या है? लो, इसे पी लो रेंजू। तो वो रेंजू उसे पी लेती है और उसका पूरा शरीर दिखने लगता है। मेरी दादी? तुम दोनों शर्मा क्यों रहे हो? वो मुझे लगा नहीं था कि दादी को इतना जवान देख पाऊंगा। ये लो, तुम भी पी लो, ये त्योहार का साकी है। हाँ, ये तो दादी की यादें हैं। तो अब शिनरा अपनी दादी की यादों में देखता है कि वो कहीं जा रही होती है, तभी वहाँ मूशी आ जाते हैं, और वो मूशी शिनरा की दादी को अपने साथ लेके चले जाते हैं। फिर रेंजू को वही त्योहार का साके पीने के लिए बोलते हैं, और रेंजू वो पीने लगती है। क्या ये आपको पसंद आया?
कोकी, ये एक जीव है। आमतौर पर ये अंधेरे में होते हैं और रोशनी की तरह बहते हैं, और हमने ये प्याला खास आपके लिए बनाया है क्योंकि हमें आपकी सहायता चाहिए। 31 साल बाद आपका एक पोता होगा जो खास शक्तियों के साथ जन्म लेगा, जो दुनिया में एक बदलाव की शुरुआत करेगा। हम चाहते हैं आप उस पर नजर रखें। इस साकी का आखिरी घूंट पी जाओ। तभी वहाँ एक कौवा आके उन मूशी को भगा देता है। फिर रेंजू जाने लगती है और जैसे ही वो जाती है उसका आधा शरीर वहीं छूट जाता है। ये क्या, आखिर ये क्या हो रहा है मुझे? तो अब अगली सुबह गिंकू वहाँ से जाने लगा था और शिनरा सो रहा था। फिर रेंजू बोलती है, तुम हमसे मिलने कभी भी आ सकते हो? मुझे नहीं लगता कि अब उसकी जरूरत है क्योंकि अब तुम उसके साथ रहोगी। हाँ, गिंकू चला गया, मैं उसे शुक्रिया भी नहीं कह पाया। शायद वो हरे रंग का साके कप ले गया। और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।